साहब हैं, सीएमओ साहब हैं, बीडीओ और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, इन सब का स्वागत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ राम दीने वल जाके ते मेरा भी सलाम आख दे, मेरा भी सलाम आख दे, ओ सोने रोजे अग सिर नू झुका के, ओ सोने रोजे अग सिर नू झुका के ते मेरा भी सलाम आख दे, मेरा भी सलाम आख दे, ओ दिस पैणगे नजारे तेनू नूर दे, नेड़े जिस वेल होवेगा हजूर दे, दिस पैणगे नजारे तेनू नूर दे, खबर लगी कोई नहीं है, जिस वेल होवे तुजाली हथ लाके, ओ जदू रोवेगा तुजाली हथ लाके, brings together so many beautiful people like you. मैं शिवांगी आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आए गए सब मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ. सबसे पहले मैं वो पत्ते नहीं है हम शाखों से जो टूट जाए, वो पत्ते नहीं है हम आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें. अब मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी नाजमा शेख को जो कि महिला शक्ति हमारे समाज में हमारे आगे बहुत बड़े बड़े आइडियल्स भी हैं. हम कल्पना चावला की बात करते हैं, सानिया मिर्जा की बात करेंगे, साइना नेहवाल की बात करेंगे, रजिया सुल्तान की बात, लेकिन सरकार की तरफ से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है. हमने अपने लाइफ टाइम में बहुत ज्यादा तब्दीलियां होती देखी हैं, चेंजेस होती, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और कितने, लेकिन जो मैं समझता हूं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, बाहर कोई दुनिया नहीं है, जो दुनिया है वो अपना आप क्रिएट करते हो, वो सबसे ज्यादा अहम है. अभी यहां पे हर एक रिलीजन ने जो वीमेन पावर है, नारी शक्ति है, इसको बहुत ज्यादा इस पे एम्फेसिस दिया है, इसको बहुत ज्यादा है कि औरत को अपना जो फीमेल पावर को जो अपना एक स्तर है, एक सोच का स्तर, अपनी एस्पिरेशन का स्तर, अपनी मोटिवेशन का, अपने एम्बिशन का, अपनी एस्पिरेशन का वो स्तर उठाना बहुत जरूरी है. मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूंगा. मैं आज के वक्त की मोहताज नहीं है, ना किसी एक इलाके की मोहताज. Our president right now is Shrimati Draupadi Murmu, a woman, and she is second woman president of India. Shrimati Pratibha Devi Patil bhi pehle woman president rahi hai. Or some six decades ago, we had started with a very dynamic prime minister, woman prime minister, Shrimati Indira Gandhi. In our neighborhood, whether it is Sri Lanka where Shrimao Bandra Naike was president, then her daughter was also president. Or in present circumstances, you can see in our neighborhood, Shri Sheikh Hasina is fourth time Prime Minister of the Bangladesh. And that too, the main leader of opposition of the Bangladesh, Begum Khalda Zia, is also a woman. And when we see in our context, in J&K, we had a very famous woman ruler called Kota Rani some six centuries ago. So, in this present gathering, what I can see ki a generation of women achievers, jisme jo ki hamare naye jo bache hamare hai, jo kal ka hamara mustakbil hai, inke liye ek inspiration hai. Jab ye bache ek young promising woman police officer ko dekhte hain, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को देखते हैं, एक वुमेन डॉक्टर को देखते हैं, एक वुमेन इंजीनियर को देखते हैं, एक तो इंस्पिरेशन हो गया कि आपने नेशन वाइड देखा कि वुमेन प्रेसिडेंट है. जब ये पुलिस ऑफिसर यंग वुमेन को, आई एम श्योर अगर ये अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेगी तो इन्होंने बचपन में देखा होगा कि श्रीमती किरण बेदी जी 1974 में IPS कर गई, पहली वुमेन पुलिस ऑफिसर जिन्होंने IPS किया. Feel it a privilege to have all of you here to accord welcome note to all of you. Today we are here to celebrate
International Women Day. As we know that on 8th of March every year, we celebrate this day with an aim to acknowledge and recognize the efforts of female folk in our life. The theme of this year International Women Day is Invest in Women, Accelerate Progress. The aim of celebrating this event and this day is to strongly emphasize. जितनी बातें यहाँ पर आपके सामने एडवोकेट शिवांगी ने रखी हैं, उन्होंने आपको आपके एक्ट के बारे में, ऐसे एक्ट जिनसे आपको अपने राइट्स के बारे में पता चलता है, वो आपको बताया, जैसे पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया, डाउरी एक्ट के बारे में बताया। हमारे एडिशनल एसपी साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने आपको बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी बताई जो आपको इंस्पायर करती हैं। आप सभी जानते हैं ये जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो शुरुआत, जिसकी बुनियाद रखी गई थी, ये 1908 में रखी गई थी न्यूयॉर्क सिटी में, जब सारी वुमेन्स प्रोटेस्ट करने के लिए निकली थी न्यूयॉर्क सिटी में। यहाँ चाइल्ड लेबर होती थी, वहाँ वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं थी, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए वो निकले थे 1908 में। 1910 में कोपेनहेगन में क्लारा ज़ेटकिन नाम की एक वुमेन थी, जो वुमेन्स ऑफिस की लीडर थी, उनकी लीडरशिप में ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन जर्मनी की एक लीडर थी, जिन्होंने लीडरशिप उस टाइम पे उस वुमेन्स ऑफिस की संभाली थी। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि वुमेन्स डे मनना चाहिए। 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना, उन्होंने पूरी दुनिया के साथ एक अहद किया, एग्रीमेंट किया कि हाँ वुमेन्स डे बनना चाहिए, तब से इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनता है। मैं वो सब बातें नहीं बोलूंगा जो अभी बोली जा चुकी है। मैं आपको सिर्फ एक बाई नेचर हमें कैसा होना चाहिए, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। आप सभी देखते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, उनमें कभी आपने डिस्क्रिमिनेशन होते हुए नहीं देखी होगी, और वहां बाई नेचर फीमेल पार्ट जो है वो स्ट्रांगर है इन कंपेरिजन टू मेल पार्ट। ऐसे ऐसे एनिमल्स के बारे में भी आपने सुना होगा, इंसेक्ट्स कुछ ऐसी हैं जो पॉपुलेशन के बाद मेन जो है वो डाई हो जाते हैं, ओनली वुमेन सर्वाइव्स। अभी नई नई जो साइंटिफिक स्टडी हो रही है, उसके मुताबिक ये भी देखा गया है कि किसी टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि वो मैन की जरूरत ना पड़े। ऐसे केसेस में साथ मैं इनवाइट करूंगी अजरा कुरैशी को, जो कि सुपरवाइजर हैं, और स्पेशली एबल थरा जबीन मागरे, जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट। आप सब इनको देख रहे हैं कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग और ड्रग्स, जो कि चांद सेल्फ हेल्प ग्रुप को रन कर रही है, और बहुत सारी बच्चियों को, बहुत सारी बेटियों को इन्होंने जो है काम सिखाया है और उन्हें काम करने की प्रेरणा दे रहे। शमशाद गोरिया जो कि अमन सेल्फ हेल्प ग्रुप को चला रही हैं, और इन सब अच सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं, और बहुत सारी फीमेल्स को जो है इन्होंने काम दे दी। कल इनको बहुत ही रिक्वेस्ट करके हमने बुलाया, हम सबके लिए जो है एक हौसला अफजाई है, और ये बहुत खुशकिस्मती की रौनक सी छा गई। तुम आए इस बज़्म में रौनक सी छा गई, हम बार बार आपकी। मार्च है और आज इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में भी, और आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट रजौरी में भी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर रजौरी के द्वारा। और जैसे आप जानते हैं कि आज इस कार्यक्रम का मकसद यही होता है कि हम जो वुमेन फोक है, चाहे वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, प्रोफेशन, बिजनेस, किसी में भी अगर उन्होंने कोई अच्छा कुछ काम किया है तो उनको सराहने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, ताकि दूसरे वुमेन फोक जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, हमारी आने वाली जनरेशन है, उनसे इंस्पायर हो सके और वो अच्छा काम कर सकें, हमारे सामाजिक तरक्की में अपना हाथ बटा सकें।